नमस्कार दर्शक बंधु, कैंपस लीडर आउ एक एपिसोड को स्वागत। दर्शक बंधु, जमती कि आपण माने जानिछंती, आजिर युवपीढ़ी, आजिर छात्र छात्री जो माने आगामी दिन में राजनेता साजिबे एवं राजनीति मैदान को लेबे, सेमानक पई ए जनरल इलेक्शन बा साधारण निर्वाचन खूब मायने रखे, कारण सेमाने ही एबेकार युवपीढ़ी आसंता निर्वाचन पई चयन करती निज नेता एवं निज लोक प्रतिनिधि जो माने निज अंचल विकास करबा पई चेष्टा करती। आउ सेति पई आमे कैंपस लीडर आज आसी पहुंचे छु रीजनल कॉलेज रे। चलंतु प्रथमे तांको स्वागत करिबा एवं जानिबा इलेक्शन को नै तांकर सब कोन मतामत रहिछि। समस्त को प्रथमे स्वागत करूछि कैंपस लीडर को। समस्ते वर्तमान जानिछो तुम भितरे राज्य रा आम राज्य रा कहिबा किछि ओडिया पिला अल्प अछन्ति एवं बाहर पिला बाहर कॉलेज रु बाहर अंचल रु सब आसी पाठ पढुछन्ति। तो समस्ते जानिछो इलेक्शन आगु को आसुछि एवं इलेक्शन पई वर्तमान टेलीविजन टू आरंभ करी पेपर न्यूज पेपर कहिबा एवं चा खटी एवं घर ऑफिस सबुठी वर्तमान गोटिए चर्चा इलेक्शन किए छिड़ा होची कोठी कोठी किए प्रार्थी होचंती किए कोन अंचल रे को अंचल रे छिड़ा होचंती समस्ते जानिथिबो। तो प्रथमे तमठु जानिबि जनरल इलेक्शन जेतेबेले कथा उठुची कोन मतामत तमर जनरल इलेक्शन नै कोन मन रे आसुची। लोकतंत्र के शुरुआत जनरल इलेक्शन से ही होता है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाते हैं और अपने आवाज को संसद तक पहुंचा पाते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि संसद तक पहुंचा पाते हैं और जो चुनते हैं आप लोग किस आधार पर आप लोग चुनते हैं, नेता चुनते हैं या मंत्री चुनते हैं किस आधार पर? देखिए लोकतंत्र में तो हम सभी को विकास के एजेंडे पर चुनना चाहिए, पर हम लोग अभी भी जातिवाद और धर्मवाद के उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हमारे समाज में कहीं ना कहीं जातिवाद जो जेंडर है और जो रिलीजन है जो कास्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन सब से उठ के हम युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और विकास को एजेंडा मान के वोट करना चाहिए। युवा पीढ़ी का ज़्यादा रोल है अगर इलेक्शन का कहा जाएगा, ज़्यादा रोल है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी फ्यूचर में तय करते हैं कौन सा नेता चाहिए, फिर आप लोग भी राजनीति में अपना पैर रखते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है ये जो जनरल इलेक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए? ये जो जनरल इलेक्शन है वो एजुकेशन के मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पे होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार जीडीपी का मात्र 3% खर्च एजुकेशन पे कर रही है, जिसे बढ़ाना चाहिए, बढ़ा करके एटलीस्ट जो 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। हमारे कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी की कमी है, हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें 6 फैकल्टी सैंक्शनड है, उसमें से मात्र 1 फैकल्टी जो है परमानेंट फैकल्टी है। तो सरकार को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2014 में इलेक्शन हुआ था और 5 साल में सरकार ने अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है। तो इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और युवाओं को एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में उनके लिए क्या हो रहा है और आगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार किस तरह ध्यान दे रही है। तो शिक्षा ऊपर गुरुत्व दौरान छात्र छात्री एवं जहाँ से कहते शिक्षा व्यवस्था सेमती किसी सुधार आसी तुम्हें कौन कह कौन लगुच शिक्षा व्यवस्था छाड़ीदे आउ कौन कौन सब समस्या रही जो नेता मैंने बाछुच कौन एजेंडा रहा दरकार युवपीढ़ी मतरे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे बोलना चाहूँगी एजुकेशन पे आते हैं, एजुकेशन सिर्फ प्रॉब्लम कॉलेज में ही नहीं है, अगर हम लोग स्कूल लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो स्कूल से लेकर के सरकारी स्कूलों से लेकर के हायर इंस्टीट्यूशंस तक ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो वेकेंट हैं। एक ऐसा कंट्री, एक डेवलपिंग वर्ल्ड जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रूशियल इशू है, उस वैसी कंट्रीज में ऐसे पोस्ट का खाली रहना एक बहुत बड़ा इशू है। ना पोस्ट यहाँ बढ़ रहे हैं ना एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो इससे एजुकेशन पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही फ्यूचर में भी इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली अगर हम इशू वुमेन पे आते हैं तो 33% जो लोकसभा का रिजर्वेशन बिल है वो अभी तक पास नहीं हो पाया है। इक्वल पे और इक्वल वर्क के चलते हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। वुमेन सेफ्टी इश्यूज तो एक अलग ही इशू है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है इसका। हम लोग हमारे सिर्फ लीडर्स के करने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग डिजिटाइजेशन का यूज़ अगर पॉजिटिवली करें और उसको हर सेक्टर तक सही मायने में पहुँचाएँ तो कहीं ना कहीं हम सेफ तो नहीं पर सतर्क ज़रूर हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ अभी हो रहा है, बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैले जा रहे हैं। वुमेन सेफ्टी का मतलब फेमिनिज्म का मतलब वुमेन इमानसिपेशन नहीं है बट इक्वलिटी ज़रूर है, तो इस बात पे फोकस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हम देखा जाए रिजर्वेशन के मामले में, तो हमें वर्क सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। इस
मुद्दा ये नहीं है कि विमेन का जो नंबर है वो इंडिया में कम है इसीलिए नहीं, बल्कि विमेन अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर हम हर सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो एज अ माइनॉरिटी ना सोचे, बट हर सेक्टर को इंक्लूड करने के बारे में सोचे। निश्चित अनेक मुद्दा उठाइले छात्री जनक एवं खूब सचेतन अच्छा समस्या को नहीं। जदि कह बर्तमान जुवपीढ़ी जो भाई भाव में चाहूँ नेता कौन एजेंडा रहा दरकार जे वुमेन वुमेन सिक्योरिटी वुमेन प्रोटेक्शन जे ध्यान देवे से बेस भल हम ताद्वारा वुमेन आजिकल रात 9 8 बाहर जापना सेफ्टी सेफ्टी आ सिक्योरिटी को लेकिन बहुत बेस प्रॉब्लम चली आज भी तू था आज भी आम निजे एज अ स्टूडेंट भी आम रात 7 जापार बाहर तो ताप देखा कथा वुमेन प्रोटेक्शन देखा कथा बेसिकली महिला कथ कह जी महिला सुरक्षा कथ आसूचता सहित जब लाइफ में सिक्योरीटी से चाहते जीक जहाँ से कहले कि लेडीज कोटा भी रही दरकार जब क्षेत्र में जोटा कि लागू है भितर आपण मैंने अच्छा क्या क्या इश्यूज है यहाँ पे अगर कहेंगे अगर युवा पीढ़ी आप लोग हो जो आगे जाके राजनीति में भी उतर सकते हो तो क्या इश्यूज रहता है अभी अगर आपके हिसाब से क्या एजेंडा होना चाहिए अभी इलेक्शन के लिए? अभी जो ये चुनाव होता है हर 5 साल पर लोकसभा विधानसभा का हो रहा है, इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा विधानसभा का है, इसमें जो मुद्दा है उसको नहीं डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जैसे कि जो सेना का मुद्दा था जो 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 रक्षा संबंधित जो मुद्दा है उसको मीडिया पर नहीं फैलाना चाहिए। इससे पहले भी कई अटैक हुए हैं बहुत, उसको अपने 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 मतलब कि हाँ अपने सिक्योरिटी उस मुद्दा को जो स्वेच्छा से कोई भी मामला हो उसको मीडिया में आना ही देना चाहिए। इतिहास में देख लें जितने भी विकसित कंट्री हैं वो अपने जो स्वेच्छा मुद्दा उसको तो भी ओपन नहीं किया है, क्योंकि भारत नहीं ओपन कर रहा क्या ये मतलब है। और उसके बाद जो हमारे सांसद मंत्री है वो चुनाव तो आते हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं। एजुकेशन में देखें एजुकेशन में पॉलिसी तो बहुत कुछ लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा। हम बिहार के हैं, बिहार में आज भी जो एजुकेशन का सिस्टम है उतना अच्छा नहीं हो पाया है। अच्छा बिहार में एजुकेशन कोठी कोठी ना कोठी कोठी बहुत बाधा प्राप्त होई छी बिहार रे आउ कोन कोन इश्यूज अछि के कहिबो कोन इश्यूज अछि एम एक्चुअली आई वांट टू से दैट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल सो कीपिंग दिस इन माइंड एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट मेनी एमएलएस मेनी लीडर्स दे गिव वेरी नाइस स्पीच बट at some point of view they fail to keep that promises pratishruti kebala pani ro gar hoi jauchi kebala speech re rahi jauchi sei kotha se mane kahuchanti tebe kon issues rahi chi gote jubok hisab re tumi kon bhabucho election re kon mudda hoba darkar neta mane ko prasang re chidai ki kahiba darkar dekhiye sabse pehle to education ka mudda yahan sabne uthai diya hai baki desh ki security ke jo baat hai usme bhi hum dekhte hai ki alag alag neta alag alag baat karte hain abhi filhal hi mein jo attack hua उसमें किसी नेता कह रहा है कि हमें बातचीत से मुद्दा सॉल्व करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं हमें अगेंस्ट वार चल जाना चाहिए। तो सबको ये समझना चाहिए वो बड़े स्तर पे अगर हम लोग वार करेंगे तो हम लोग को अपना रिसोर्सेज भी देखना है, और अगर हम लोग अभी वार पे चल जाएंगे तो हमारा देश पीछे भी आ सकता है। और कुछ नेता बोलते हैं कि हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए, तो बातचीत का मौका तो आगे दे ही चुके इतने सालों से दे रहे हैं। अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है अभी के लिए क्या मुद्दा रहेगा कि कैसे क्या क्या एरिया में क्या विकास होना चाहिए और कौन कौन मुद्दे पे जो नेता लोग हैं आगे बढ़ना चाहिए? तो यही मुद्दा कि एडुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा और अच्छा करना चाहिए। आर्मी पैरामिलिट्री जिसको जितना सुविधा मिल रहा है और उसको सुविधा देना चाहिए और पुख्ता करना चाहिए। और बस यही वुमेन सिक्योरिटी का बात भाई मेरी दोस्तों ने उठाई दिया। सुरक्षा प्रसंग भी उठाउछंती छात्र माने एवं कोठी ना कोठी सचेतन अछंती। जदि युवक मानन कथा कहबा युवक मानकर कोन एजेंडा रहबा दरकार, कारण वर्तमान आपण जानछंती सब युवपीढ़ी राजनीति को ओल्हैलेनी। जदि मैक्सिमम कथा कहबा लीडर माने अछंती बहुत यंग लीडर अछंती कोन प्रसंग रहबा दरकार युवक मानकर आ आपण मानकर विकास नै आ समस्या कोन रहिछि? बस स्पीच देके ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कभी भी वो ग्राउंड लेवल पे या फिर बोलते हैं धरातल पे वो लागू नहीं किया जाता है। तो हमें मुद्दा क्या है सबको पता है, लेकिन हमें मुद्दा नहीं चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो वो अगर जो करते हैं, अगर जो भी आगे करते हैं या फिर जो किए हैं उसी आधार पर हमें देखना चाहिए। सबू जहाँ से मैंने कहते कि केवल प्रतिश्रुति दौंती प्रसंग तो अनेक रही कि प्रसंग को कमी सल्यूशन करवल प्रसंग न रही कि कार्य करें। अच्छा तुम्हें जिते बर्तमान कलेज पढ़ु जुवपीढ़ी हिसाब से गोटे भाइटाल रोल रोच निर्वाचन में कौन कह कमी लोक प्रतिनिधि बाछवा दरकार कौन सब समस्या रोच अंचल प्रथम तो आपन को नमस्कार एवं स्वागत आम कलेज को। देखो राजनीति हूँ गोटे दायित्व एवं मो हिसाब से वर्तमान भारत जहाँ युवपीढ़ी अच्छा से बहुत सचेतन
आउ वर्तमान आमर जदि देखिबा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से जो कादुआ फिंगा फिंगी होती देशर मेरुदंड जे कि कृषि एवं कृषक ताकु अवहेला कर राज्य सरकार कहूँ केन्द्र सरकार कृषि को अवहेला कर राज्य सरकार केन्द्र सरकार कहते कि फंड यूज कर पार नहीं आमर राज्य सरकार से सब जिनस कथा नुह द्वितीयतः आपणकर जदि आप आर्थिक स्तर में सामाजिक स्तर में आपत जदि अधिक उपलब्धि करने चाहते राज्य को आहरी अग्राधिकार करने चाहते निहाती हिसाब से आप शिक्षा को अधिक गुरुत्व देवा दरकार शिक्षा क्षेत्र में आप स्कॉलरशिप दिंतु पिला नीच स्तर नीच स्तर तथा अन्य कम्युनिटर पिला से इनक्लूसिव इंटीग्रेटेड मैनर अधिक आसवे और से शिक्षा प्राप्त करें तद्वारा कि आहरी जो आगामी 30-40 वर्ष अच्छी से भितर आम इंडिया जमी गोटे सुपर पावर हो पार आपण को 5 वर्ष बछा जाऊँगी या नुहजे आपर स्वार्थ खाली साधन करेंगे ता व्यतीत आपण निजर स्वार्थ साधन करने व्यतीत देशर अग्रगति केमती हो पार सबु स्तर में से खनिज स्तर में हो कि आपणकर इंडस्ट्री स्तर में हो एजुकेशन स्तर में हो सबु स्तर में से हिसाब से आपण ध्यान देवा दरकार तो कौ अंचल को तुम बिलंग करुचो एवं कौन कौन सब समस्या अच्छी से अंचल निहाती सर मुझे कहि मुझ संबलपुर और बरगढ़ एरिया को बिलंग कै जोटा कि एक प्रमुख एवं जोटा कि एक हृदय विदारक जिनिष जोड़े कृषि कृषक आत्महत्या से सब जिनस कथ नु लोक ऋण नौ पैठ न करवा देय न करवा कारण से मृत्युवरण करहत्या कर राज्य सरकार एक बहुत बड़ चैलेंज और प्रशासन एक बहुत बड़ चैलेंज आपणकर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो कि राज्य सरकार हो से सदा बेले यह ध्यान रखा उचित जे आपणकर कृषक और कृषि सदा बेले से देशर मेरुदंड एवं सेमाने को हिसाब से निजर सब्सिडी पाए निजर कृषि को आहरी अग्रगति करेंगे एवं देशर जहाँ सब मैंने इकोनोमिक अच्छी से सब क्षेत्र केमती आगे नहीं पारे से सब ध्यान देवा दरकार आलोचना करवा गोटे शिक्षा कथा कहले और महिला सुरक्षा कथा उठी ये आउ किसी प्रसंग अच्छे आम आलोचना करवा कौ एरिया बिलंग कर एवं कौन सब समस्या रही मैं बिहार से बिलंग करता हूँ वहाँ पर मैं एजुकेशन का फील्ड में देखा हूँ बहुत ही कमी है वहाँ पर शिक्षा भी जो भी एनरोल्ड होते हैं वो काफ़ी शिक्षित नहीं होते हैं कई सारे स्कूल में जाके देखूँ खास करके प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे समस्या उठे ले शिक्षा छाड़ी दे ले कौन कौन सब समस्या फेस करूच वहाँ पे नेता लोग बहुत मुद्दा उठाते हैं पर उस मुद्दा को काम करते नहीं है इलेक्शन के समय सबके घर घर जाके उनके घर में खाना खाते हैं उनको मतलब दुख सुख बात करते हैं कि आप अगर हमको जिताते हैं तो आपको ये करेंगे वो करेंगे बट जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद देखने भी नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो अंचल तुम्हें बिलंग करुचो सेठी कौन सब असुविधा रही पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत था ये लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गया है मतलब अभी हर घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है लेकिन वहाँ पे जो ये जो सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं सभी को भारत सरकार के द्वारा फ्री में सबको दिया जा रहा था पर हमारे गाँव में ऐसा है कि पैसे लेकर के दिया जा रहा है वहाँ पे 2000 रुपया लेते हैं पर हेड उसके बाद गैस सिलेंडर देते हैं उन लोगों को कोठी ना कोठी अलग समस्या मध्य सामना को आसुची तबे आउ किछि प्रतिक्रिया नेबा कोन रहुची समस्या एवं गुडे युवा पीढ़ी हिसाब रे निर्वाचन रे केते वाइटल रोल रहुची बर्तमान भारत गोटे मुख्य समस्या है बर्तमान हिंदू मुसलिम बिवाद को लेकिन बहुत किसी होता देश में बहुत किसी पार्टी चेष्टा कर हिंदू आ मुसलिम को अलग करके मैंने इलेक्शन एजेंडा से रखुंत तो सहीटा मेनली हवा कथा नहीं कारण आम जब एमती गोटे जगार देश को भांगी देवा हिंदू मुसलिम करी तेल आमको तो आम देश ये ही नष्ट से प्रथम कथा गोटे सेन्ट्राल बाकी मो कन्स्टिट्युएन्सी है मो केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली तो मो एरिया रे मैं प्रथम कथा है कि भितरकनिका अच्छी भितरकनिका किंतु भितरकनिकार एपर्त एत भी भल डेवलपमेंट हो पार नहीं जोटा कि डेवलपमेंट हवा दरकार से गोटे बहुत भल टूरिस्ट प्लेस प्लस गोटे हेरीटेज प्लेस जेहेतु बहुत इंपोर्टेंस रोचे तार बायोलोजिकाली आउ ता छड़ा बाकी रास्ता भी जमा भलसे हो पार ना केन्द्रापड़ा एरिया रे बहुत रास्ता को नहीं बहुत प्रॉब्लम हो किंतु फिर भी आम आशा करूँ आमर लास्ट टाइम थे बैजयंत पंडा थे एमपी थे एवं से बीजेपी लड़ुं बीजेडी थे एवं बीजेपी लड़ुं अनुभव बोधे कंटेस्ट देवे एथरक तो जना पड़ी टक्कर हो पाए ठीक अच्छे किए आसबे न आसबे से तो आगामी दिन में ही जना पड़ो ये जितेबाला गोटे कथा उठू जनरल नलेज कथ उठू जनरल नलेज किटा प्रश्न पचार समस्ते जी जाच से भितर कह जितेबाला ओडिशा रे समस्त वर्तमान पढ़ुच जाच ओडिशा रे निर्वाचन एवं केतेटा फेज रे इलेक्शन होउची किए कह हाथ टेक केतटा फेज रे चारिटा फेज रे होउची जो लोकसभा इलेक्शन रे केतेटा सीट रे रहिची एवं विधानसभा पई केतटा सीट रे इलेक्शन होउची लोकसभा पई 21 टा आ विधानसभा रे 147
ନିହାତି ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେକେଣ୍ଡ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ନେତା ଗଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାସେଶ ପଡ଼ି ପାରିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜାଣୁଥିବ କିଛି ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ରାଜନେତା ସାଜିଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆକାଶ ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆହୁରି ବି ଏବେ ଅପରାଜିତା ବି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ହେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ସାଜିକି ସବୁ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରୋଲ୍ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ସେମିତି ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜନେତା ଭାବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରୋଲ୍ ନିଭାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ହିନ୍ଦୀ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଜିନ୍ ଲୋକନେ ଅଭି ଅଭିନେତା ସେ ରାଜନେତା ବନା ହେ, କିନ୍ କିନ୍ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପତା ହେ? शत्रुघ्न सिन्हा हैं, और फिर बिहार से एक और हैं हेमा मालिनी हैं, वो सभी बिहार से हैं, जो कि फिल्मी दुनिया से ये हमारे बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। रवि किशन और कौन कौन को जानते हो आप लोग? रवि किशन और बहुत सारे नेता हैं, जैसे धनबाद में हमारे पशुपतिनाथ सिंह हैं, और फिर जो हमारे सबसे जो मेरे सबसे प्रिय हैं वो मेरे नरेंद्र मोदी, वो मैं उनको मैं बहुत स्टार मानता हूँ, वो मेरे सबसे प्रिय नेता बीजेपी। अच्छा, नेताओं का कथा जितना सूची अभिनेता रू जो लोग अभिनेता से राजनेता में उतर रहे हैं, और जो लोग फिल्म दुनिया में थे अभी अभी वो लोग राजनेता कर रहे हैं, उस आप लोगों के मायने में वो लोग कैसा, मतलब राजनीति में क्या अपना भूमिका निभा पा रहे हैं? नहीं नहीं निभा रहे हैं, देख लें मनोज तिवारी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं फाइव बी से, उसके बाद मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी खुद बोलते हैं कि मेरा तो लव हो रहा है आए हैं, तो उसके बाद हम लोग रवि किशन हुआ, ये लोग कुछ जानते ही नहीं है। नेता उनको बनना चाहिए जो समझ सके राजनीति है क्या, संसद में जाने का मत होता मतलब क्या है, विधानसभा मतलब पार्लियामेंट में डिबेट ले अपने नेता के, मतलब संसद में जाए अपने मुद्दों को रखें, रेखा थी फिर उसे ज्यादा पर्दा भी थी, कोई मुद्दा रखा ही नहीं आज तक, जो कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। कोठी ना कोठी समझते नाकच करुँचुती एवं मना करुँचुती, आप कहाँ से हैं और क्या क्या इश्यूज आप हैं, अगर युवा पीढ़ी के हिसाब से क्या रोल है आपका इलेक्शन में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं झारखंड से हूँ, और पहला मैं सरकार से अनुरोध करने वाला हूँ कि जो भी जो है या फिर जो आने वाली है वादे कम करे, लेकिन जितने भी वादा करे पूरा करे, क्योंकि हम क्वालिटी में यकीन करते हैं क्वांटिटी में नहीं। दूसरा बात, मैं जनता से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब वोट जो है अपने दिमाग से दे, अपने दिल से सेंटिमेंट होकर नहीं दे। बहुत से नेता माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के हमारा लाभ लेते हैं, फिर बाद में कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ अपने दिल को समझा बुझा के रखना है, और अपने दिमाग से काम लेना है, और सही को ही चुनना है। दिमाग रू मन कथा भाबी कि वोट दबा उचित ना कि हृदय कथा भाबा उचित, गोटे भल कथा कहले कौन कह बर्तमान राजनीति को नहीं कौन मनरे आसुच्छे, और युवपीढ़ी कौन रोल रहा दरकार? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାର ତ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବି ବହୁତ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେସନ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଯେମିତି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପଇସା ଆସେ ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ସେ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟରେ ଏବେ କାଠ ଗୋଦାମ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଜେନେରାଲି ନା ମୋ ପକ୍କା ଘର, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ଯାହାର କିଛି ମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେତେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ବେସିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିକିତ୍ସା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସୁବିଧା ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବି ଟିକେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିକିତ୍ସାରେ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବିକାଶ ଦରକାର। ଆପ୍ ଲୋକ ସବୁ ୟହାଁ ପେ ରହତେ ହୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ରହତେ ହୋ, ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଲଗତା ହୈ, କ୍ୟା କ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେ ୟହାଁ ପେ ଫେସ୍ କର ରହେ ହୋ? ମ୍ୟାମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଆପ୍ ଦେଖିବେ କି ୟେ ଯୋ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେ, ଯୋ ଇସ୍କେ 7-8
किलोमीटर के रेडियस के बाद आपको वो काम नहीं दिखेगा जो यहाँ है। हाँ। इसके बाहर जाइए तो आपको वो बस सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे है, साइकिल सर्विसेज यहाँ अच्छी रोड है, लेकिन आप जब इस सदर के रेडियस के बाहर जाएंगे तो आपको बस वही लगेगा कि सिंपल सा कोई पिछड़ा हुआ राज्य है जिसमें कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। भुवनेश्वर कथा जी कहे आम जी स्टेट कथा कहे ओडिशा कौन सब समस्या फेस करुचे पूरा जदि आम देश कथा कहे कौ कौ दिगरे विकास होगा दरकार। मैम एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर अभी तक तो जहाँ पे हम रह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, और दोस्त ने भी सही बोला कि दूर 7-8 किलोमीटर्स के बाहर में जाने से थोड़ा ऐसे लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर में भी डेवलपमेंट हो, बाहर में भी मतलब हर फैसिलिटीज दिया जाना चाहिए जो यहीं पे हम लोगों को मिल रहा है। सब अंचल कौन कौन विकास मैंने कौन बुझुच कौन कौन सब समस्या रोचे विकास का समस्या हमेशा से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, फिर से गरीबी तो हमेशा से रहा है, लेकिन हमारे देश की विडम्बना यह है ना कि हम लोग अपनी बात नहीं करते हैं, दूसरे की बात ज़्यादा करते हैं। हमारे राजनेता भी अपनी बात कम करके दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमको अपने दिल से सोचना चाहिए, हमको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और हम कैसे देश के विकास में अपना रोल निभा सकते हैं। तो विकास कहले कौन बुझा जाए, कारण आम ही ये वाइटाल रोल निभाऊे जहाँ तुम्हें कहल युवपीढ़ी मैंने विकास मैंने कौन आठ कौटी आम देश में कौन विकास अभाव रही। जो भी मुद्दा अभी जो बोला जा रहा है जैसे गरीबी हो या बेरोजगारी, शिक्षा या फिर जितने भी जेंडर इशू हो गए, धार्मिक हो गए, तो ये सब मुद्दा ये नहीं है कि आज का मुद्दा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, इस चीज़ में सुधार करेंगे, और आज बोल रहे हैं कि आज करेंगे मतलब अपने इस कार्यकाल में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सारी चीज़ बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो हर बार जितनी भी सरकारें आती जाती रही है सभी इन्हीं मुद्दों पर अपना वादा करती है, लेकिन वो मुद्दा फिर भी उतने समय से कंटिन्यू है। एक्चुअली सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने कैंडिडेट जो खड़े करती है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो कैंडिडेट कितना योग्य है, क्या काम करने लायक है, जनता उसे पसंद करेगी या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ वो लोग जो देखते हैं वोट बैंक है सबसे बड़ा फैक्टर। अगर ऐसा होता रहेगा तो यही सारी मतलब जो भी मुद्दे चले आ रहे हैं वो चलते जाएंगे आगे भी बहुत दिनों तक। तो विकास ही पारी बनी कौन कहीं गोटे छात्री हिसाब से गोटे झील हिसाब से कौन सब समस्या रोचे गोटे जो इलेक्शन आसूँ बर्तमान कहार समय कौन तुम मन में आसूँ। मैं पहले ये बोलूँगी कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के कारण जो मेन कंसर्न है कि इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके जो फार्मर्स का डेथ हो रहा है या फिर हमारा सीड प्राइजेस जो भी अप डाउन होते रहता है उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो सबसे पहले फार्मर्स को अपने कंसर्न में रखें और उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। तो समस्त उन्नति करवा दरकार, चाषी क्षेत्र जदि कह कृषक मानी टी भल करवा दरकार, उन्नति आणवा दरकार। गोटे युवपीढ़ी हिसाब से कौन रोचे कौन कौन सब विकास मुद्दा उठू कौ कौटी समस्या रोचे। मैम मैं एक मुद्दा उठाना चाहूँगा कि चुनाव के समय में तो बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आती हैं, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो वैकेंसीज का ना ठीक से रिजल्ट आता है, बाद में पता चला कि वो वैकेंसीज कैंसिल हो गई, फिर से होगा। तो इसमें मैम बहुत सारे युवा लोगों का टाइम भी जा रहा है, मेहनत भी जा रहा है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मतलब बहुत सारे युवा लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कथा जो उठू को मैंने सहमत अच्छ कि देश में बेरोजगारी अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी हाथ टेक कौ मैंने चाहू कि आहरी निजुक्ति समस्या समस्या समाधान हो और अनएम्प्लॉयमेंट कौटि ना कौटी दूर करू। तो समस्ते बर्तमान जाच अनएम्प्लॉयमेंट समस्या हाथ टेकु कहीं एमती अनएम्प्लॉयमेंट कौटी समस्या रही जाऊँगी। जॉब तो सबसे पहले इसलिए नहीं मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, और दूसरी बात हमारा एजुकेशन का लेवल उस तरह का है कि हम अपने युवाओं को उस लेवल का प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि वो जॉब के लिए तैयार हो पाएँ, अपने उस तरह का हम स्किल नहीं दे पाते हैं अपने युवाओं में क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं है। एजुकेशन सिस्टम खराब अच्छी आउ कौन कौन सब प्रॉब्लम रोचे अनएम्प्लॉयमेंट कहीं की देखा मिलूँ। रोजगार का सबसे पहले मैं रोजगार को डिफाइन कर दूँ। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप बीए करने के बाद पकौड़ा तोले, रोजगार का मतलब है कि आप बीए कर रहे हैं तो उस लेवल का आपको जॉब मिले, जो इच्छा के अनुसार आप जॉब चाहते हैं उसका अपॉर्चुनिटी आपके पास हो। और नहीं मिलने कारण सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो सेक्टर है उसको उस लेवल पर नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट हो। जैसे कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अभी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन हमारे सरकार के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं जो एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। जैसे कि कुटीर उद्योग है, इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कृषि पर जो कह अनेक समस्या रही है, जो बेरोजगारी कथ उठू कौटि ना कौटि स्किल से विकास से अनुसार पहुँच पार्नी, शिक्षा हिसाब से जी कह शिक्षा में से सुधार आसपारे कौन समस्या रोचे अनएम्प्लॉयमेंट कहीं देखा मिलूँ आम ओडिशा कथा जब भी कहवा ओडिशा कथा को जदि स्पेसिकाली लिया जाए आपंकर बेरोजगारी जोटे रोचे देखो ओडिशा मैक्सिमम क्षेत्र होची ग्रामीण एवं से ग्रामीण इलाक आपणकर
ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ର ମାନେ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ କି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ କି ଅଲଗା କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏବେକାର ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ରହିଛି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ମୁଦ୍ଦା, ଲୋକ ସରକାର ନୁହଁ ବା ରାଜନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଦିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧା ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଅଧା ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପୁରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେହିଭଳିଆ ପଲିସି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତଳରୁ ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରୁ ଆକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରିଜିଓନାଲ୍ କଲେଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ବାହାର ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ସେତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ଏବଂ ସେଇଠି ନା ସେଇଠି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ତ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ କି ଏଠିକାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଉଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ସମୟ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲିଡର୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।